तो चलो पूजा टीवी देखेंगे, टीवी नहीं टीवी देखेंगे दीदी। नहीं आ जाओ चलो अंदर चले आ जाओ। ऐसे खिला दो सबको, खिला दो। नो 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 एवरीवन, कमा गणेशा मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आई बहुत अच्छे होंगे, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास में बढ़िया हूँ। और आज का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है मेरे घर से, जैसे मेरे गेटअप से आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि आज है संडे, मेरा सूरज जी का, मेरा और भाभीसा का सूरज जी का उजीवड़ा, तो इसलिए कल ही आई थी। कल थोड़ा सा मतलब 1:30-2 बजे तक आई थी मैं, और आज थोड़ा रात को लेट सोए थे, जो सुबह मैं उठी थी 8 बजे। फिर भी मतलब इन बच्चों के साथ थोड़ी क्या घुला मस्ती ज़्यादा कर ली मैंने, तो मेरे तो ये हाथों में इतनी भयंकर दर्द हो रहा था, जैसे नहीं होता जैसे सुइयां सी चुभती है वैसा दर्द होने लग गया। जैसे चक्कर में मैं लेटी हुई थी, उठी थी 9 बजे उठी हूँ। फिर अब जाऊँगी, और हमारे आंटी हैं वो खाना बनाने के लिए आए हुए हैं, हमेशा हमारे वही आते हैं सुगनी आंटी, तो वो खाना बना रहे हैं, तो मैं फटाफट नहा धो के वापस अभी नहाने के लिए जाएंगे, कहानी सुनेंगे फिर इसलिए। और क्या है कि कहानी वैसे तो सबके साथ सुननी चाहिए जो भी हमारी होती है, बट देखो कई जॉब करती है, कईयों के पास टाइम नहीं होता इतनी सुबह सुबह जल्दी आने का, तो हमने सोचा कि हम ना मतलब हम मैं बाबी से दोनों कहानी सुन के, और फिर सबको जितने भी है उनको है ना घर पे ही खाना दे के आ जाएंगे। और ये हमारी दीदी भाई सा नहीं नहीं कर ली, ये भगवान इसको पोटाना बहुत मुश्किल है, एक ही चीज़ पहनती है फ्रॉक की, तो इस ड्रेस को बताना पड़ता है कि बहुत सुंदर है। और आजकल बहुत बोलती है, ये बातें इतनी करती है समझ में नहीं आता। वो तो बना दी सब्जी, बना दी क्या सब्जी? तो थाली की जगह भाभीसा ने अब की बार ना सोचा कि पर्स दे देते हैं, ये तो ब्लाउज पीस था हमने पैक कर कर के रखे थे, ये पीछे ब्लाउज पीस रख दिया, और ये है पर्स, इसके अंदर ही कड़े डाल दिए लाख के, और पूरा श्रृंगार का जो सामान होता है पाउच में आता है वो डाल दिया था। तो अब की बार ये पर्स दे रहे हैं सबको, सबको ये है गोले, गोले भी देते हैं हमारे सबको। मैं रेडी हो चुकी हूँ, वैसे मैं ना मतलब मेरे ना जल्दबाजी में कॉटन का सूट ही लेकर आई थी, बट यहाँ पे आके भाभी से क्या प्योर का सूट पहन रखा था, तो मैंने भी प्योर का सूट पहन लिया। ये मेरी मम्मी का है, और जल्दबाजी में क्या सिंपल सा रेडी हुई, और ये मेरे क्या मवाद की फंसी हो रही थी, मैंने इसके ऊपर ना ब्लैक ब्लैक सा तिल बना लिया इसको। और अभी क्या हमारे वो ढोला नानी जी आए थे है ना, तो वो बजा रहे थे, तो हम दोनों घूमर घाल रहे थे, मैं भाभी सा दोनों ने डांस किया, और अब कहानी वाणी सुनेंगे, तैयारी करते हैं कहानी सुनने की। ऐचे ये देखो, ऐचे डांस कर रही थी मम्मी ऐसे। वाओ रिद्धि देखो अपन दोनों दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं ना, वाओ रिद्धि दोनों तो बुआ भतीजी सुंदर हम दोनों ही लग रहे हैं ना सुंदर सुंदर रिद्धि, ये देखो वाओ रिद्धि तो है ना रिद्धि है ना रिद्धि। तो ये देखो भाभीसा ने ईसर जी और गणगौर जी बनाए हैं,
इस चार्ट के ऊपर, क्योंकि दीवार क्या खराब हो जाती है ना इसलिए। तो मैं तो पूछती नहीं हूँ, 16 दिन भाभी साहब पूछते हैं। सीधे गणगौर के ऊपर ही तो अब करेंगे सूरज जी की पूजा की तैयारी। और इसमें और इसमें सारा सामान और अब हम खाएंगे खाना। मम्मी तो खुद गई लेके बैठ गई, मैं सोची मन गाल रही मम्मी, हाँ खुद को लेकर बैठ गई। तो अभी खाना वाना खा पी के हम फ्री हो गए, थकान तो ज़्यादा हो गई। और मम्मी को क्या, मुझे आज ही जाना पड़ेगा मेरे ससुराल, क्योंकि मम्मी को ना कल सुबह जल्दी कहीं काम से जाना, हमारे बुआसा के जाना है, इसलिए मम्मी ने बोला आज ही आ जाना। तो इसलिए मैंने मम्मी की ड्रेस चेंज नहीं किया अभी, फिर बोला एक साथ ही ड्रेस चेंज कर लूँगी, भैया छोड़ने के लिए जाएगा इसलिए। और फिर मैं बहुत तेज़ दौड़ूंगी क्योंकि भूखे पेट में, फिर धूप में देने भी चली गई थी खाना सबको, घर पे बुला के नहीं खिलाया था हमने। क्या किया था कि पैकिंग की प्लेट मंगवा ली थी और यहीं से घर से पैक कर करके हमने सबको ही दे दिए थे इसलिए। और अब सर में भूखे पेट चली गई, फिर सुबह से कुछ खाया भी ना, दूध भी नहीं पिया था, चाय भी थी ना वो भी ठंडी हो गई थी, वो आधा कप था, वो जैसा था वैसा पी लिया था फटाफट इसलिए। और अब 6 बजे से ही जाऊँगी, जब तक थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए मार्केट आई थी, वैसे तो मम्मी के कोई काम से आई थी, मैं मम्मी ने जो सामान मंगवाया था वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने मेरे लिए सामान ले लिया, मुझे मेरा शैम्पू चाहिए था और भी कई सामान थे, वो लेने के बाद अब मैं जा रही हूँ घर पे। और थोड़ी 6-7 बजे से ही जाऊँगी इसलिए। तो अब तैयारी कर रहे हैं जाने की, घर पे जा रही हूँ, भाभी साहब और भैया मतलब दोनों छोड़ने जा रहे हैं, भाभी साहब को भी कुछ काम है बाहर, चलो चल ठीक है भाभी साहब, बाय बाय। रुक जाती ना यार, अरे मम्मी जा रही है इसलिए, नहीं तो मैं तो रुक जाती बढ़िया। मम्मी कभी जाती तो बाप आते, ये हमेशा ऐसे बोलते हैं यार, ना रुकने का कि वरना कि मम्मी कल जा रही है, मम्मी जा रहे हैं। तो भैया तो मेरे को छोड़ के चले गए और फटाफट भाग के गए, क्योंकि ये रोने लग गई थी मामा मामा के लिए। भाभी साहब को तो कहती है आप गाड़ी में बैठ जाओ जाओ, अब मामा को बोलती है रुक जाओ, तो भैया तो चले गए। और अब करेंगे चेंज वेंज। बाबू कहाँ है, ये मेरी जूतरी चोटी बना लिया कर, कभी बाल लंबे हैं तो रिया छुपी हुई रहती है। और ये इसके इस मतलब इसको है ना सेंटर में पलंग को मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि मेरे पलंग के ना ये देखो ये उतर गए, तो इसको क्या है कि इन्होंने बोला खाती को बुला के और इसको चिपकवाएंगे पलाइयों को, इसलिए इसको बीच सेंटर में कर रखा है। पहले तो बोले कि मैं खुद कर दूंगा, फिर उन्होंने मना कर दिया मेरे से तो नहीं होगा। छुपे छुपे बाबू आई फूट हो जाएगी, आ जाओ चोटी बनाओ आओ। और अभी मैं जा रही हूँ, आज मेरा फास्ट है ना, खाना तो अभी खा नहीं सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ वैशाली नगर जूस पीने के लिए। वैसे रात को जूस तो पीना नहीं तो नीचे है, बट क्या करें। और सागर में मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा, अभी ऐसा लग रहा है ठंडा ठंडा कुछ पीऊँ इसलिए। हेलो करो, हेलो भी करते हैं।
ऐसे नहीं करते राम राम तो करो बाबू राम राम और इनके राजवंशी राम राम। तो अभी मैं काम वाम करके फ्री हो गई, अब बस करेंगे सोने की तैयारी। थोड़ा फेस वॉश कर जाती हूँ, मेरा आज फेस ना पता नहीं अजीब सा डल सा हो गया। और कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा निकिता का, निकिता की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। वैसे इतनी भी ज़्यादा नहीं है मगर ज़्यादा ही, एक तरीके से उसके हेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ठीक भी नहीं हो पा रहे। 2-3 डॉक्टर भी चेंज कर लिए। अब देखो भगवान की दया से जल्दी से वो ठीक हो जाए। और आप भी सब उसके लिए ज़रूर विश मतलब प्रे करना कि वो जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो आज के वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।